नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मेरा मनी प्लांट का पौधा कितना सूख चुका है। पूरा पौधा तो नहीं सूखा है, बस इसकी पत्तियां सूखी हैं। ये डोरमेंसी के बाद जो कि ऐसा हाल हो गया है और अब पतझड़ भी आ गई है, तो पत्तियां ज्यादातर पौधे से जो कि सूख करके पीली होकर के गिरती ही हैं और इसका भी वही हाल हुआ है। लेकिन ये पौधा मेरा अभी पूरी तरह स्वस्थ है, ठीक है। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि पत्तियां ये ऐसी हो गई हैं तो पौधा खराब हो गया है। देखिए नीचे से सारी से ब्रांचेस तो इसकी हरी हरी है, सब कुछ हेल्दी है, सब कुछ ठीक है। बस इसमें एक काम करने की बहुत ज़रूरत है, उस काम के बाद ये पौधा पूरी तरह से बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए मेरा दूसरा मनी प्लांट पौधा, ये वाला पौधा मेरा पूरी तरह से ठीक है। देखिए इसमें आपको कहीं भी एक भी पीली पत्ती या सूखी पत्ती नहीं दिखेगी, ये पूरी तरह से अच्छा है। डोरमेंसी टाइम में थोड़ा सर्दियों में देखिए पौधों को थोड़ा देखभाल बहुत करनी पड़ती है। इस पौधे को मैंने अंदर रख दिया था तो ये मेरा पौधा देखिए पूरी तरह स्वस्थ है, इसकी एक ही पत्ती खराब नहीं हुई है। इसको मैंने बाहर ही छोड़ दिया तो सर्दी की वजह से ये इसकी पत्तियां ऐसी हो गई हैं। अगर मैंने इसको भी अंदर कर दिया होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब इसको एक ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है जिससे ये पूरी तरह ठीक हो सकता है, और तरीका वो ये है कि इसको कटिंग कर दें। कटिंग कर देंगे तो फिर नई नई ब्रांचें निकलेंगी और फिर ये पौधा पूरी तरह से तैयार होगा नए सिरे से। और चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ने से ये होगा कि जो बीच बीच में कहीं कहीं से ब्रांचें निकलेंगी और वो पौधा ऊपर तक जो है कि बढ़ते हुए जाएगा। सो कट करने का मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि काफी बड़ा पौधा है ये मेरा। ये पौधा भी अगर इसकी तरह होता तो मैं कट न करती, क्योंकि इसकी पत्तियां सब अच्छी खासी हैं और इसकी सूख चुकी हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं देखिए नई नई देखिए ब्रांचेज निकल रही हैं इसमें से, ये देखिए यहाँ से नया देखिए नया किला निकला है और इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेज निकलेंगी इनमें से, यहाँ यहाँ से बीच बीच से सब जगह से नई नई ब्रांचेज निकलेंगी इसमें से। ये देखिए बल्कि एक ब्रांच तो देखिए निकलना शुरू भी हो गई है, यहाँ से निकल रही है और बहुत छोटी छोटी देखिए यहाँ यहाँ से निकल रही हैं, पतली पतली दिख रही हैं इधर से। ये देखिए यहाँ से इधर इस तरह से ये निकलने लगेंगे, देखिए इसमें भी ये निकल रही है यहाँ से। देखिए मैं बिल्कुल नीचे नीचे से काट दूंगी इसको, क्योंकि छोड़ने से कोई फायदा नहीं है और नीचे से ब्रांचेस इसकी निकल ही जाएंगी और ज़्यादा। और इसको अगर मैं छोड़ देती हूँ तो ये ब्रांचेस तो ऑलरेडी हैं ही, जो नई वाली निकलेंगी तो पौधे पर काफ़ी मतलब कि बर्डन हो जाएगा, गमले पर भी, मिट्टी पर भी, हर चीज़ पर। तो इसलिए मैं इसको कट कर दूंगी ताकि जो नई ब्रांचेस निकलें उनको पोषण पूरा पूरा मिले। देखिए मैंने सबको नीचे नीचे से कट तो कर दिया है, लेकिन इस मॉस स्टिक से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जड़ें ना मॉस स्टिक में पूरी तरह से घुस चुकी हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऐसे निकालने में। ये देखिए मेरा मनी प्लांट, अब मैंने पूरी तरह से मॉस स्टिक को खाली कर दिया है इसको, और ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लिपट गई थी इसमें, बहुत मुश्किल से निकली हैं। और ये लेकिन जो जितने भी पौधे हैं ना ये सारे बेकार नहीं है, इनको मैं कटिंग से लगा दूंगी तो और ढेरों पौधे इकट्ठा हो जाएंगे, पास बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। तो अभी जो ये नीचे नीचे दिख रही है ना इनमें से बहुत सारे ब्रांचेज निकलेंगे, नहीं नहीं कुछ में तो निकलनी भी शुरू हो गई है, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए एक ये है और ये है, ये सब निकल रही हैं नीचे से। अब इसकी ब्रांचेस पहले से और कहीं ज़्यादा हेल्दी और अच्छी पत्तियाँ निकलेंगी और ये पौधा काफ़ी अच्छे से अब ग्रो करेगा। तो आप भी अगर आपके मनी प्लांट में इस तरह से कंडीशन हो गई हो, पत्तियाँ सूख चुकी हों और पूरा पौधा बेकार जैसा दिख रहा हो, तो आप भी कटिंग कर दीजिए। मनी प्लांट में तो कटिंग करना अच्छी बात होती है क्योंकि उसके पौधे को हेल्दी रखने के लिए, बड़ी बड़ी पत्तियाँ और बुशी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कटिंग करना। तो आप भी अपने पौधे कटिंग करिए और खूब सारे ब्रांचेस लगाइए। थैंक यू।